क्या आप जानते हैं एक ऐसा गांव जहां पर एक भी दरवाजे नहीं होते, या फिर क्या आप जानते हैं कि पीयूष चावला ने अपने आईपीएल करियर में एक भी नो बॉल नहीं डाला। चलिए इसे छोड़िए, पर क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा मेंढक है जो रेगिस्तान में भी रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं इन्हीं अमेजिंग फैक्ट्सों के बारे में आपको बताऊंगा। फैक्ट नंबर 15 एंड दैट इज रिलेटेड टू क्लाउड्स। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक बादल का वजन लगभग 5 लाख किलो यानी एक हवाई जहाज या 100 हाथियां के बराबर होता है। दोस्तों, पहले हम लोग यही सोचते थे ना कि बादल का आकार बहुत छोटा और उसका वजन कम ही होता होगा, पर मेरे दोस्तों ये बिल्कुल सच है। रह गए ना आप लोग दंग। चलिए अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 14 की, एंड दिस फैक्ट इज अबाउट टू स्लीप। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मतानुसार औसत व्यक्ति अपने सपनों का 90% हिस्सा भूल जाता है। इसका मतलब यह हो दोस्तों कि जो रात को सपने हम लोग देखते हैं वह सुबह लगभग 90% भूल जाता है। लगभग सभी व्यक्तियों के साथ ही ऐसा होता है। ओह, दैट्स अमेजिंग गाइस। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं फैक्ट नंबर 13 पर। बीते वर्षों में जर्मनी के एक ऑक्टोपस बॉल की भविष्यवाणी ने भी काफी चर्चाएं बटोरी थी। गत फीफा विश्व कप 2010 में इस ऑक्टोपस बॉल की भविष्यवाणियां सच साबित हुई थी। दरअसल बॉल द्वारा अपने भोजन के बॉक्स पर रखे गए फ्लैग चुनने के आधार पर यह भविष्यवाणियां की गई थी। अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 12 की, जो कि हमारे भारत के डाक घर से रिलेटेड है। 1 अक्टूबर 1854 को भारत में डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ था। टिकट पर महारानी विक्टोरिया का सिर और भारत बना होता था। फैक्ट नंबर 11 एंड दिस फैक्ट इज रिलेटेड टू एग इन चीन। दुनिया भर में जहां अंडों को पानी में उबाला जाता है, वहीं चाइना में लड़कों के पेशाब में अंडे उबाले जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 10 की। यह पीयूष चावला के द्वारा खेले जाने वाले आईपीएल करियर से संबंधित है। पीयूष चावला ने अपने आईपीएल करियर में 400 से ज्यादा ओवर किए हैं, लेकिन एक भी नो बॉल नहीं फेंकी है। यार, वैसे ये स्पिन बॉलर तो गजब का है। चलिए अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 9 की। यह चॉकलेट से रिलेटेड है। चॉकलेट मिल्क का आविष्कार 1680 में हुआ। इससे पहले लोग पानी में कोका मिलाते थे। एक बार किसी ने इसे दूध में मिलाकर देखा तो ये बहुत टेस्टी लगा। तब चॉकलेट मिल्क का आविष्कार हुआ, जिसके कारण हम लोग अपने मनपसंद की चॉकलेट्स खाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 8 की, जो कि विनिमय से संबंधित है। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सभी देशों में 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाया जाता। चीन में न्यू ईयर की तारीख हर साल बदलती रहती है। चीन में न्यू ईयर की तारीख 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में पड़ती है। यार, चीन तो अपने से ही न्यू ईयर मनाता है ना गजब की बात। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 7 की। यह समुद्र में रहने वाले खतरनाक जीव से रिलेटेड है। ब्लू व्हेल के पादने पर जो समुद्र में बुलबुला बनता है वह इतना चौड़ा होता है कि उसमें एक घोड़ा आ सकता है। दैट्स अमेजिंग गाइस। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 6 की। यह फैक्ट एक ऐसी अमीर व्यक्ति के बारे में है जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का मालिक है। दोस्तों, इतने बड़े अमीर इंसान का नाम मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मालिक हैं। मार्क दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी सालाना ऑफिशियल वेतन सिर्फ $1 है। दैट्स अमेजिंग यार, दुनिया के इतने बड़े व्यक्ति $1 कमाते हैं, और वो भी एक साल। गाइस, आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए और आप अपने फेवरेट गॉड का स्मरण करके उस घंटी को दबा दें, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 5 की, जो कि हमारे ग्रहों से रिलेटेड है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के एक साल से बड़ा होता है। यानी कि इस ग्रह में अगर कोई भी प्राणी रहता है तो उसकी लाइफ सुधर जाएगी, पर ऐसा संभव नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 4 की, जो कि हमारे लाइफ से रिलेटेड है। क्या आप लोग जानते हैं कि जन्म लेने वाले सभी इंसानों में से केवल 10% लोग ही सही समय तक जीवित रह पाते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों,
जिसके किस्मत में जो लिखा है वही तो होगा। फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 3, यह हमारे पृथ्वी द्वारा लगाए गए सूर्य के चारों ओर चक्कर से रिलेटेड है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई सौ साल पहले धरती द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.25/87/56/484 दिन का समय लगता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि पहले के लोग भी बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे और इन सब चीजों के बारे में भविष्यवाणियां कर लेते थे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 2 की, जो कि बतख अर्थात डक से रिलेटेड है। अगर एक बतख के बच्चे ने पैदा होने के 10 मिनट बाद आपको देख लिया तो वो आपको ही माँ समझने लगेगा। यानी कि दोस्तों, आप लोग उस बच्चे के सामने मत आना, क्योंकि उसकी माँ ही उसका अच्छे से पालन पोषण कर सकती है। फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 1, यह बहुत अमेजिंग फैक्ट है, आप लोग देखेंगे तो इसमें दम भरे जाएंगे। भारत के सनी सिंगनापुर में लोग बिना दरवाजे के अपने घरों में रहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो भी सनी सिंगनापुर से चोरी करता है उसे सनी भगवान बड़ी से बड़ी सजा देते हैं। यहाँ तक कि सनी सिंगनापुर में कोई भी पुलिस स्टेशन भी नहीं है। यार, यह गांव तो बहुत ही अद्भुत है। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी?